नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर जुयाल। आज हम बात करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की। दरअसल कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। कुछ यही हाल जस्टिन ट्रूडो का भी है। दरअसल हुआ ये कि मॉन्ट्रियल जिस समय दंगे की हिंसा की आग में जल रहा था, उस समय जस्टिन ट्रूडो, कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, टोरंटो में एक सिंगिंग कॉन्सर्ट में झूम झूम के नाच रहा था। आप लोगों ने भी ये तस्वीरें देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वीडियो, ये तस्वीरें काफी वायरल हुई, सारी दुनिया में फैली और जस्टिन ट्रूडो की आलोचना भी हुई। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। दर्शकों ने लिखा कि 52 साल का जस्टिन ट्रूडो 14 साल की एक टीनेजर की तरह बिहेव कर रहा है। बात गलत भी नहीं है, नाचने गाने से किसी को कोई गुरेज नहीं है। अगर किसी को यह शौक है तो वो उसे पुष्पित पल्लवित करे, अपने फैमिली गैदरिंग में नाचे, और अगर ज्यादा अच्छा नाचना गाना आता है तो अपनी इस प्रतिभा का प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं है। जस्टिन ट्रूडो चाहें तो विभिन्न मंचों पर नाचना गाना दिखा सकते हैं, लेकिन कनाडा की जनता की कीमत पर नहीं। और यही सवाल दरअसल उठ रहे हैं। हुआ यह कि टोरंटो में सिंगिंग सेंसेशन टेलर स्विफ्ट का एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ, उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी पहुंचे। शायद उनका उद्देश्य युवा मतदाताओं को लुभाना रहा होगा। वो उनके बीच पहुंचे और मौका देख करके नाचने भी लगे और बाकायदा झूम झूम कर नाचे। इनकी तस्वीरें वायरल हो गई। वायरल हुई तस्वीरें, किसी को नाचने का शौक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल तब उठे जब उन्हीं के शहर मॉन्ट्रियल में हिंसा भड़की हुई थी। उस समय जस्टिन ट्रूडो नाचना गाना कर रहे थे, जबकि उनको प्रशासन देखना चाहिए था, हिंसा ना भड़। वालों पर कुछ चीजें फेंकी गई और इसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें शांत करने के लिए टीयर गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज करना पड़ा। वहां हंगामा खड़ा हो गया, अफरा तफरी की स्थिति बन गई, लेकिन जस्टिन ट्रूडो नाचने में व्यस्त था। ये ठीक वही कहावत हुई जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जब रोम जल रहा था तब नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। ऐसा ही कनाडा में हुआ, जब कनाडा का शहर मॉन्ट्रियल जल रहा था तो जस्टिन ट्रूडो नाचने में लगा हुआ था। अब इसे बेहयाई ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? इस बात को सभी समझते हैं कि जस्टिन ट्रूडो कोई आम नागरिक नहीं है, वो कनाडा का प्रधानमंत्री है जिसके कनाडा के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। देश की जनता ने उसको इसीलिए चुना है और उसका पहला कर्तव्य है कि वो अपने देश कनाडा में शांति व्यवस्था बनाए रखे। लेकिन शांति व्यवस्था और आपसी सौहार्द तो छोड़िए, इसे बिगाड़ने का काम ही जस्टिन ट्रूडो ने किया है। वो खालिस्तानियों को समर्थन देता है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, भारत से जो भी फरार और भगोड़े अपराधी हैं उनको शरण देता है और अनर्गल प्रलाप निरंतर करता रहता है। जाहिर है उसकी अपनी हैसियत इतनी नहीं है, उसके पीछे अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का हाथ है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि G20 जैसे शिखर सम्मेलनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फोटो ऑप्स के लिए उसके बगल में खड़े होते होंगे तो उनके दिमाग में क्या विचार आता होगा। हो सकता है यही
उन्हें लगता हो कि किस जोकर के बगल में अंतरराष्ट्रीय मजबूरियों के चलते खड़ा होना पड़ रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।